हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त बसंत और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आपके बीच लेके आया हूं, जो कि एक रियल कहानी है मिस्टर श्याम मुजावदा की। तो मिस्टर श्याम मुजावदा की कामयाबी का जो मूल मंत्र है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको इस बात से ज़रूर प्रेरणा मिलने वाली है। तो दोस्तों, मिस्टर श्याम मुजावदा के बारे में जो मैं आपको कहने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो उनसे हम सीख सकते हैं, उनसे हम अपने जीवन में कुछ गुणों को उतार सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी। और एक समय ऐसा था कि वो एक बिल्कुल निम्न स्तर का जीवन, मतलब गरीबी स्थिति उनकी थी, और आज ये कंडीशन है कि उनके पास जो उन्होंने चाहा वो सब कुछ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी वो बताते हैं। मिस्टर श्याम मुजावदा का यूट्यूब चैनल है, जो कि लेयर 3 एजुकेशन के नाम से है, और मैंने उस चैनल पे पढ़ाया भी है, और मिस्टर श्याम सर से मैं पढ़ भी चुका हूँ। और मिस्टर श्याम सर इंग्लिश के बहुत ही अच्छे टीचर हैं, और उनकी इंग्लिश भारत के कोने कोने तक नोट्स बेचे जाते हैं, नोट्स जाते हैं, परचेस होते हैं। तो दोस्तों, उनकी बात मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, उन्होंने अपने गाँव से सबसे पहले ये शुरुआत की थी। टीचिंग में उनका इंटरेस्ट शुरू से था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में इस बात को उतार लीजिए कि आपको जो पसंद है वो कार्य कीजिए, और मिस्टर श्याम सर ने वही किया जो उनको पसंद था। अगर जो चीज़ हमें नहीं पसंद है, अगर वो काम हम करने लग जाएंगे, तो वो ज़्यादा दिन से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तड़प होनी चाहिए, तड़प अपने अंदर होनी चाहिए किसी काम को करने की। तो वही तड़प श्याम सर के अंदर थी। उन्होंने अपने गाँव से, यानी कुरावन के रहने वाले हैं, और वर्तमान में वो मंदसौर आ गए हैं, ठीक है। कुरावन से मंदसौर तक का जो सफ़र है, ये सफ़र ही आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो उन्होंने इसी में इंटरेस्ट था। उन्होंने सबसे पहले प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने घर पे वो क्लास देते थे बच्चों को। धीरे धीरे उन बच्चों को क्लास देते देते फिर धीरे धीरे फिर लेवल बढ़ाया, 12वीं तक के बच्चों को क्लास देने लगे। फिर एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो कई सालों तक उन्होंने प्राइवेट स्कूलों तक अपना शिक्षा जो है वो दी। उसके बाद धीरे धीरे उनकी पहुँच मंदसौर तक, बड़ी सिटी तक जाने की बनी, क्योंकि उनके अंदर इंटरेस्ट था। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो वो एक जगह पर सीमित रह जाते कि इतने पैसे कमा लिए मैंने, बस ठीक है। लेकिन उनके अंदर एक इंटरेस्ट था, एक टॉप तक उनको जाना था। तो फिर उन्होंने मंदसौर कोचिंग क्लासेस पर कुछ दिन रहे, दोस्तों के रूम पर वो रहे। शुरुआती दिन उनको ऐसे थे, ऐसे निम्न स्तर का उनका जीवन था कि अपने दोस्तों के रूम पर रहकर उन्होंने जो है अपना कार्य किया। तो पहले उन्होंने एक कोचिंग क्लासेस मंदसौर में पढ़ाया, और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने खुद की अपनी कोचिंग क्लासेस लेयर 3 एकेडमी नाम से, आप चित्र भी देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो ये चित्र उनकी कहानी को बयां करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लेयर 3 एकेडमी खोली, और उस एकेडमी पर धीरे धीरे जो है एक बहुत ही, जैसे हम बोलते हैं वायरल, उस समय वायरल हो गए थे वो, और उनकी इंग्लिश और वहाँ पे पढ़ाया जाने वाला हर सब्जेक्ट एक तरह से वायरल हो चुका था, और सारे स्टूडेंट डिमांड करने लग गए थे। उनका जो हाल था पढ़ाने का, वो हाल भी इतना पूरा भर जाता था, बच्चे स्टूडेंट उसमें समा भी नहीं पा रहे थे, इतने स्टूडेंट हो गए थे उनके पास, इतने स्टूडेंट आ रहे थे, ठीक है। और इन स्टूडेंट्स को उन्होंने कामयाबी भी दी, क्योंकि उनका अनुभव लगभग 15 साल का हो चुका है इंग्लिश पढ़ाने का, ठीक है। तो दोस्तों, कुल मिला के इंटरेस्ट आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए कोई जॉब करने का जो है, तो आप निरंतर पढ़ाई करेंगे, नहीं तो पढ़ाई भी आप अगर किसी कहने से कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर वर्तमान समय में उनका यूट्यूब चैनल ग्रो कर, और अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी बात है, अन अकेडमी पर टॉप एजुकेटर, ठीक है। और अन अकेडमी के एप्लीकेशन ऐप पर भी पढ़ाते हैं, यानी उन्होंने अपना इंटरेस्ट को इतना बड़ा लिया है, उन्होंने अपने कार्य को इतना बड़ा लिया है कि आज वो पूरे भारत में उनका नाम चलता है और चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि कल से ही आ गया हूँ और शुरू हो गया हूँ। मैं ये जो प्रयास है, मैं 2017 से कर रहा हूँ, आज तक कर रहा हूँ। कुछ आपको एक साल ऐसा लग जाएगा वीडियो बनाने में, समझने में, चैनल क्रिएटर, मतलब मेरे अंदर मैंने अभी तक एक रुपया इसमें नहीं कमाया है, ठीक है। लेकिन मिस्टर श्याम सर की भी वही कहानी है। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 2015 में खोला था, और वो यूट्यूब चैनल आज कितना ग्रो कर गया है, ठीक है। तो बहुत, उनको भी बहुत समय लगा शुरू शुरू में यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में।
तो इसी प्रकार से अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट इस वीडियो बनाना है, वीडियो बनाने मेरा इंटरेस्ट है, तो जो काम हम बेटर तरीके से कर पा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट जो है अपना बढ़ता चला जाता है। क्या चाहिए अपने को? मेहनत चाहिए। तो आज उनकी लाइफ स्टाइल कुछ अलग है मिस्टर श्याम सर की। उनके पास गाड़ी है, अच्छा सा घर है, पूरी फैमिली को वो साथ रखते हैं और बहुत ही अच्छे से जीते हैं। फीलिंग वाले इंसान हैं, ठीक है। हम मालवा के लोग हैं और मालवी में ही वो बात करते हैं। मैं उनके साथ रहा हूँ लगभग 3 महीने उनके साथ रहा हूँ, और मैंने भी उनके YouTube चैनल पर पढ़ाने का प्रयास किया और मैंने पढ़ाया है 2-3 साल तक। लॉकडाउन के समय से मैं अपने गाँव आ चुका हूँ, अपने गाँव में ही फिलहाल मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। तो दोस्तों, लॉकडाउन के बाद आपको मोटिवेट होने की आवश्यकता है, आपको अपना कार्य शुरू करना चाहिए। नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से, इसी प्रेरणा से हमें कार्य करता रहना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें, कोई बात हमसे आप करना चाहें, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से या संपर्क सूत्र से आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।